ये बगुला बच्चे डिलीवर करने जाता है। सभी बच्चे भेड़ों के पास जाने लगते हैं, पर एक भेड़ के पास कोई बच्चा नहीं आता और वो दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन एक आलसी बच्चा अभी भी बगुले के पास ही था, तो बगुला इसे अपनी माँ के पास जाने को कहता है, पर ये सबसे अलग था। तो बगुला अपनी डायरी में इसकी डिलीवरी चेक करने लगता है। तभी बच्चा देखता है कि सभी भेड़ों के पास एक एक बच्चा था, लेकिन एक भेड़ अकेली रो रही थी। तो शेर का बच्चा उसके पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन बगुला देखता है कि इस शेर के बच्चे को तो अफ्रीका डिलीवर करना था। तो बगुला उसे ढूंढने लगता है और उठाकर अपने साथ ले जाता है, पर तभी भेड़ को गुस्सा आ जाता है और वो बगुले के पिछवाड़े पर टक्कर मार देती है, जिससे बगुला डर जाता है और वहाँ से तितर हो जाता है। शेर भेड़ों के साथ भेड़ बनकर रहने लगता है। धीरे धीरे शेर बड़ा हो जाता है, पर भेड़े अभी भी उसे लप्पू समझती थी। लेकिन एक रात भेड़िया इनके इलाके में आ जाता है, तो शेर डरकर अपनी माँ के पीछे छिप जाता है, लेकिन भूखा भेड़िया उसकी माँ को ही पकड़ कर ले जाता है। तो शेर अपने साथियों को कहता है, लेकिन वो डरकर छिप जाती है। शेर भी डरा हुआ था, लेकिन भेड़िया उसकी माँ को खाने वाला था। अपनी माँ को खतरे में देखकर भेड़ के अंदर का शेर जाग जाता है और वो जोर से दहाड़ता है, जिससे भेड़िया पैंट गीली कर देता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर भागकर अपनी माँ को बचा लेता है और भेड़िए को टक्कर मारकर चट्टान से नीचे गिरा देता है।